वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन और सब्स्टिट्यूशन में आज हमारे लिए पांच वर्ड्स हैं, नर्सरी, नोटोरियस, ऑब्सोलीट, ऑक्टेजेनरियन एंड ओमनीपोटेंट। इन पांचों को कंट्रोल में कर लेना आज हमें। इनका पहले उच्चारण लिखते हैं हिंदी में। नर्सरी का प्रोनाउंसिएशन नर्सरी, नोटोरियस का नोटोरियस, देन ऑब्सोलीट, देन ऑक्टोजेनेरियन रियन एंड दिस इज ओमनीपोटेंट ओमनीपोटेंट। इस तरह से आज के हमारे पांच वर्ड्स हैं जिनको कंट्रोल करना है। देखते हैं, नर्सरी की हिंदी है पौधशाला, मतलब जहां पे पौधा रखते हैं, वैसा घर जहाँ पे पौधा रखते हैं। नर्सरी आपने देखा होगा बहुत सा, जहाँ पे बहुत से फूल वाले पौधों के पौधे रखे होते हैं, नर्सरी कहते हैं उनको। देखिए, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर केप्ट, अ प्लेस स्थान जहाँ पर छोटे पौधे यंग प्लांट्स आर केप्ट रखे गए होते हैं, उनको बोलते हैं नर्सरी। आप इसे नर्सरी भी कहते हैं, हिंदी पौधशाला भी, राइट। पहला वर्ड हो गया नर्सरी, स्पेलिंग याद रखिएगा नर्सरी का। फिर है नोटोरियस, कुख्यात। नोटोरियस का एक ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है फेमस, FMOUS। इसका कुख्यात का उल्टा हिंदी में विख्यात होता है, तो नोटोरियस का उल्टा फेमस हो गया। मतलब जो अच्छे काम के लिए, अच्छा काम के लिए उनका नाम होता है, उनको बोलते हैं विख्यात। जिनका बुरा काम के लिए नाम होता है, उनको बोलते हैं कुख्यात। देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हैविंग एन ईवल रिपुटेशन, इसको बोलते हैं ईवल, मतलब बुरा। और ये क्या हो गया, नाम, रिपुटेशन मतलब नाम, अच्छा है ख्याति। तो हैविंग एन ईवल रिपुटेशन मतलब बुरा ख्याति रखना, बुरा ख्याति रखने वाला क्या कहलाएगा, नोटोरियस, कुख्यात कहलाएगा। बुरा के लिए कु हो गया और ख्याति के लिए ख्यात हो गया, कुख्यात, नोटोरियस याद रखेंगे आप। अपोजिट भी याद रखेंगे, फेमस होता है विख्यात। फिर है नो लॉन्गर यूज्ड और आउट ऑफ डेट, दो इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक तो नो लॉन्गर यूज्ड और दूसरा आउट ऑफ डेट। तो नो लॉन्गर यूज मतलब जिसका प्रयोग अब नहीं होता है, और आउट ऑफ डेट मतलब कि उसका समय निकल गया, आउट ऑफ डेट हो गया, एक्सपायर हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, अप्रचलित। तो नो लॉन्गर यूज मतलब प्रचलित, जो अब प्रचलन में नहीं है तो अब प्रचलित हो गया, और आउट ऑफ डेट मतलब एक्सपायर हो गया है, तो वो भी एक ही बात है। तो ऑब्सोलीट कुछ भी पूछ सकता है, नो लॉन्गर यूज भी पूछेगा एग्जाम में या आउट ऑफ डेट भी पूछेगा, बट आंसर एक ही होगा, ऑब्सोलीट। स्पेलिंग याद रखिएगा, ABSOLET, ऑब्सोलीट। देन कम्स 109th नंबर और आज का फोर्थ नंबर वर्ड, दैट इज ऑक्टोजेनरियन। पढ़ते ऐसे हैं, ऑक्टो जेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, 80 साल का, जिनका उम्र 80 से लेकर के 89 तक, आई मीन 80 to 89 ईयर्स होता है, इस एज ग्रुप वाले लोगों को बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। हिंदी तो 80 साल का ही होगा, लेकिन बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन, और एज ग्रुप होता है 80 to 89। A person who is of an age from 80 to 89 बोलते हैं octogenarian। आप जानते हैं 13 से 19 years वालों को बोलते हैं हम teenage। teenage क्यों बोलते हैं, क्योंकि 13 से 19 जब लिखेंगे आप English में तो सबके अंत में, सारे words के अंत में teen आएगा, तो यहाँ से teen उठा लिया और age डाल दिया teenage। तो teenage में कौन कौन सा एज आता है, एज ग्रुप आता है 13 से 19, इसे भी ध्यान रखिएगा। देन कम्स लास्ट वर्ड, दैट इज ओमनीपोटेंट। पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली होना, शक्तिशाली। देखते हैं, बीइंग ऑल पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, और ऑल मतलब सर्व, तो सर्व शक्तिशाली यहाँ पे हो गया, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। तो बीइंग ऑल पावरफुल मतलब सर्व शक्तिशाली होना, इसको बोलेंगे सर्व शक्तिशाली। इसके लिए तीन वर्ड्स के लिए एक वर्ड है ओमनीपोटेंट, हिंदी है सर्वशक्तिशाली। तो आज के जो पांच वर्ड्स हमने देखे, नर्सरी, पौधशाला, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर केप्ट, नोटोरियस, कुख्यात, हैविंग अनइवल रिपुटेशन, ऑब्सोलीट, अप्रचलित, नो लॉन्गर यूज्ड और आउट ऑफ डेट,
ऑक्टोजनरियन 80 साल का, अ पर्सन हु इज ऑफ एन एज फ्रॉम 80 to 89, एंड द लास्ट वॉज ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली बींग ऑल पावरफुल। ध्यान रखिएगा नोटोरियस का ऑपोजिट फेमस विख्यात, और साथ में ऑक्टोजनरियन के साथ ही बता दिया 13 to 19 वाला टीनेज। थैंक यू वेरी मच।